आज हम बात करेंगे अगस्त माह के फोर्थ वीक लास्ट सप्ताह के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, वो भी स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। आइए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट दिया गया है? तो हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट दिया गया है? वो दिया गया है दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन को। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन को। अभी दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ये जयपुर में है। जयपुर का ही एक रेलवे स्टेशन है, इसको ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। ISO सर्टिफिकेट होता है जो गुणवत्ता वाली चीज़ें होती हैं ना, कोई भी वस्तु, जगह, कुछ भी, तो उन्होंने जो उसकी क्वालिटी को दर्शाती है ये ISO सर्टिफिकेट। ठीक है, तो दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जयपुर को ISO सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया हाल ही में, ये दिया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, राजस्थान की एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए गए हैं 2020 में, उसमें किस महिला का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है? तो वो हुआ है गीता कुमारी के लिए। गीता कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, और ये बाड़मेर जिले की है। कहाँ की है? बाड़मेर की। तो गीता कुमारी है, इनको हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 में। इन्होंने शिक्षा के लिए अपनी जो पुश्तैनी जमीन थी उसको स्कूल के लिए दान कर दिया है, अपना सब कुछ, जो पैसे तन मन धन से, मतलब छात्रों के लिए इन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, तो इनको अभी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर तीन, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत राजस्थान के किस शहर को स्टार सिटी अवार्ड मिला है? तो अभी जो 2020 का स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें राजस्थान किस शहर को स्टार सिटी अवार्ड मिला है? तो मिला है डूंगरपुर जिले को। तो डूंगरपुर जिले को स्टार सिटी अवार्ड मिला है। किसको? डूंगरपुर सिटी को। डूंगरपुर सिटी या डूंगरपुर जो जिला है अपने राजस्थान का, उसको स्टार सिटी अवार्ड मिला है। अब डूंगरपुर की बात करें तो स्थापना करी थी डूंगर सिंह ने, स्थापना करी थी डूंगर सिंह ने। तो डूंगरपुर जिला है, उसकी स्थापना की थी डूंगर सिंह ने। ये उदय सिंह जी के पुत्र थे। ठीक है, और डूंगरपुर के नाम, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम पूर्ण आदिवासी जिला है। प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है ये, आदिवासी जिला है। तो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है वो है डूंगरपुर। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। ठीक है, डूंगरपुर को भी स्वच्छता सर्वेक्षण में स्टार सिटी अवार्ड मिला है। और स्वच्छता सर्वेक्षण की बात हो रही थी, देश में प्रथम स्थान पर रहा था छत्तीसगढ़ राज्य, प्रथम स्थान रहा था छत्तीसगढ़ का स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में। छत्तीसगढ़ था प्रथम स्थान पर, राजस्थान का रहा था नवा स्थान राजस्थान का रहा था। राजस्थान के सर्वेक्षण में नवा स्थान रहा था। और प्रथम शहर की बात करके भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में प्रथम शहर या प्रथम स्थान पर शहर कौन सा रहा? तो वो रहा था इंदौर। प्रथम स्थान पर इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की बात करें तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची जारी की थी, तो इसमें पहले स्थान पर रहा था छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्थान का इसमें नवा स्थान रहा था, और राजस्थान में स्टार सिटी अवार्ड मिला है डूंगरपुर जिले को। ठीक है, और डूंगरपुर जिले को प्रथम पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला भी घोषित किया गया है। ये जो पूर्ण आदिवासी साक्षर जिला है। दूसरी बात के भारत में प्रथम स्थान पर जो शहर रहा था वो शहर रहा था इंदौर, और ये लगातार चौथी बार नंबर वन पर रहा इंदौर शहर। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी सारे फैक्ट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में सिटी पार्क और कोचिंग हब बनाने की घोषणा किसने की? पूछा जाए कि इसकी घोषणा किसने की, तो CM है राजस्थान के अशोक गहलोत, इन्होंने इसकी घोषणा की है। अशोक गहलोत, इन्होंने इसकी घोषणा की है। राजस्थान में जयपुर में सिटी पार्क और कोचिंग हब बनाने की घोषणा किसने की? तो अशोक गहलोत ने की है। ठीक है, तो याद रखना इसको।
क्वेश्चन नंबर 5, किस झील के किनारे राजस्थान में बर्ड पार्क का निर्माण किया जा रहा है? कि राजस्थान में किस झील के किनारे बर्ड पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो किया जा रहा है आना सागर झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। आना सागर झील कहाँ पे है? तो ये झील है अजमेर जिले में। कहाँ पे? अजमेर जिले में है। और ये झील कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, तो अजमेर में जो आना सागर झील है उसके किनारे बर्ड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और ये आना सागर झील बनाई किसने थी? तो ये बनाई थी अर्णोराज ने। किसने? अर्णोराज, जो शासक रहे हैं अजमेर के, उन्होंने। और ये थे पृथ्वीराज चौहान के दादा, पृथ्वीराज चौहान के दादा थे। ठीक है, तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि आना सागर झील का निर्माण किसने किया, तो अर्णोराज ने किया था। ठीक है, तो याद रखना इसको। और स्मार्ट सिटी जो योजना चल रही है उस प्रोजेक्ट के तहत ये निर्माण किया जा रहा है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अजमेर से रिलेटेड कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय है अजमेर जिला, तो अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय कहते हैं। तो याद रखना है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बर्ड पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आना सागर झील के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है RBSE राजस्थान बोर्ड ने कितने प्रतिशत स्कूल के सिलेबस को कम किया? जो राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 10th और 12th के लिए उन्होंने जो आगामी सेशन है अभी 2020-21 का, उसके लिए कोरोना महामारी के मद्देनज़र जो लेट सेशन शुरू होगा उसके कारण 40% सिलेबस की कटौती की है, 40% कम करने की घोषणा की है। यह है RBSE की बात। और CBSE जो दिल्ली वाला बोर्ड है उसकी बात करते हैं, उन्होंने 30% सिलेबस कम किया है। ये याद रखना, दोनों पूछ ले तो CBSE बोर्ड है उन्होंने 30% सिलेबस कम किया है और राजस्थान बोर्ड ने 40% कम किया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राजस्थान में भारत की पहली ऑनलाइन राज्य स्तरीय लोक अदालत का शुभारंभ कब से किया गया? तो हाल ही में ऑनलाइन राज्य स्तरीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, कब से किया गया था? तो वो किया गया था 22 अगस्त 2020 से। कब से किया गया था? 22 अगस्त 2020 से किया गया था। और इसमें क्या सिस्टम है ऑनलाइन लोक अदालत का? तो ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन करके जो पुराने बहुत दिनों से पेंडिंग में जो मामले चल रहे थे, घरेलू विवाद जैसे कोई से विवाद हो, उनको बहुत सारे हज़ारों की संख्या में उनका निपटान किया गया है। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, इससे टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 22 अगस्त 2020 से शुरू किया गया है, तो याद रखना इस चीज़ को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पैलेस को वाव एशिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया? कि राजस्थान के कौन से पैलेस को वाव एशिया अवार्ड 2020 से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है उम्मेद भवन पैलेस को। किसको? उम्मेद भवन पैलेस को। उम्मेद भवन पैलेस को इससे नवाजा गया है। और ये कहाँ पड़ता है उम्मेद भवन पैलेस? ये जोधपुर में पड़ता है। पैलेस का मतलब है महल, और विश्व का सबसे शानदार या रिहायशी महल है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। ठीक है, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं मानवेंद्र जसोल। कौन बने हैं? मानवेंद्र जसोल। मानवेंद्र जसोल को राजस्थान फुटबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया है निर्विरोध रूप से, तो याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस पैरा एथलीट को अर्जुन अवार्ड दिया गया? 2020 में राजस्थान किस एथलीट को अर्जुन अवार्ड दिया गया? तो वो दिया गया है संदीप चौधरी को। किसको दिया गया है? संदीप चौधरी है, जो राजस्थान के खिलाड़ी पैरा एथलीट, उनको दिया गया है। संदीप चौधरी को अर्जुन अवार्ड दिया गया, और ये हैं झुंझुनू जिले के हैं। कहाँ से हैं? झुंझुनू जिले के हैं ये, तो याद रखना इनका जिला। कई बार राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है कौन से जिले के हैं, तो पैरा एथलीट हैं ये झुंझुनू जिले के हैं, संदीप चौधरी, इनको दिया गया है। और पूछे कि अभी 2020 में 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर कितने खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया? तो कुल 27 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, कुल 2020 में 27 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1961 से, ये भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राजस्थान के मगन बिस्सा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।
इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो जो मगन बिस्सा जी हैं राजस्थान के, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इनका संबंध है पर्वतारोहण क्षेत्र से। किससे संबंधित है? पर्वतारोहण क्षेत्र से इनका संबंध है, पर्वतारोहण क्षेत्र है उनसे संबंधित हैं। और इनका जिला पूछा जाए तो ये बीकानेर के हैं। कहाँ के हैं? बीकानेर के हैं। तो याद रखना मगन बिस्सा बीकानेर के हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, पर्वतारोहण क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो हाल ही में जो राजस्थान के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो इसका कार्यभार सौंपा गया है गणेश घोघरा को। किसको? गणेश घोघरा को सौंपा गया है। गणेश घोघरा को ये जिम्मेदारी दी गई है और ये डूंगरपुर के विधायक हैं। कहाँ के विधायक हैं? डूंगरपुर के, डूंगरपुर के MLA विधायक हैं। किनके स्थान पर? तो पहले मुकेश भाकर के स्थान पर। पहले थे कौन? मुकेश भाकर। तो मुकेश भाकर के स्थान पर गणेश घोघरा को ये कार्यभार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना दोनों पूछ ले। तो क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में राजस्थान का पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र का केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला महिला हॉकी खेलो इंडिया केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है चूरू के गाजुआस जगह है वहाँ पे। ठीक है, गाजुआस जो क्षेत्र है वहाँ पे स्थापित किया गया है। चूरू गाजुआस में हॉकी खेलो इंडिया हॉकी केंद्र उसका शुभारंभ किया गया है, उसकी स्थापना की गई है चूरू गाजुवास में। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान बनकर तैयार हुआ है? तो वो हुआ है उदयपुर जिले में। कहाँ हुआ है? उदयपुर जिले में बनकर तैयार हुआ है। ये बना कौन सा? तीसरा। तो इनसे पहले कहाँ कहाँ बन चुका? तो पहला जयपुर में और एक अजमेर में बन चुका। ठीक है, तो पहला जो हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान बना था वो जयपुर में, दूसरा अजमेर में है और तीसरा भी उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में बनकर तैयार हुआ है। एस्ट्रोटर्फ मैदान तो समतल जिसमें कृत्रिम घास उगाई जाती है, फिर मजबूत मिट्टी, शानदार इंटरनेशनल लेवल का हॉकी का मैदान बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया गया है? तो आपको यहाँ रहा ब्रज विश्वविद्यालय, आपको पता ब्रज क्षेत्र कौन सा है? इधर अपने भरतपुर, आगरा, इधर अलवर का क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे किया गया, तो भरतपुर जिले में इसका लोकार्पण किया गया है। कुम्हेर जो तहसील है भरतपुर की, वहाँ पे है ये विश्वविद्यालय। ठीक है, भरतपुर में कुम्हेर तहसील में। ठीक है, चकसितारा गाँव है वो, या ज़्यादा पूछे तो चकसितारा गाँव है, चकसितारा गांव है वहां पे किया गया है इसका लोकार्पण। किसने किया गया था? कलराज मिश्र ने, कलराज मिश्र द्वारा किया गया। कलराज मिश्र कौन है? राजस्थान के राज्यपाल। तो हाल ही में भरतपुर जिले के कुम्हेर तहसील में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय का जो नया भवन बनाया गया उसका लोकार्पण किया गया। किया गया किस द्वारा? कलराज मिश्र द्वारा। यह है राज्यपाल, अपने राजस्थान के गवर्नर हैं या राज्यपाल हैं, इनके द्वारा ऑनलाइन तरीके से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI ने जयपुर में नए स्टेडियम के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? कि राजस्थान में नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है उसके लिए BCCI ने कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इन्होंने 100 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं इस स्टेडियम के लिए। कितने? 100 करोड़ रुपए। और कुल बजट है इसका, राजस्थान जो नया स्टेडियम बन रहा है उसका बजट है 350 करोड़ रुपए। कितना है? 350 करोड़ रुपए। और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा, तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा ये। इसकी क्षमता रहेगी 75,000। राजस्थान के जयपुर में जो नया स्टेडियम बन रहा है वो वर्ल्ड का, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा दर्शक क्षमता के अनुसार। इसकी क्षमता 75,000 और 350 करोड़ इसका कुल बजट है और इसमें से 100 करोड़ रुपये BCCI ने भी जारी किए हैं, देने की घोषणा की है। और सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है भारत के अहमदाबाद में, सबसे बड़ा। दूसरे नंबर पर मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम
ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर जयपुर, ठीक है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में राजस्थान के किन क्रिकेटरों का चयन मथुरा दास अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? जो 2020 में मथुरा दास अवार्ड दिया गया उसके लिए चयन राजस्थान कौन कौन से क्रिकेटरों का हुआ है? तो एक है अशोक मेनारिया, दूसरे हितेश पटेल, तीसरे हैं साहिल भास्कर। इन तीनों क्रिकेटरों का चयन हुआ है मथुरा दास अवार्ड के लिए। आपको पता है अशोक मेनारिया से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेरा संबंध किस क्षेत्र से थे? क्रिकेटर, तीनों ही वैसे ये भी क्रिकेटर हैं और ये आईपीएल में भी खेले हुए हैं अशोक मेनारिया, तो ये चीज़ याद रखना। अब मथुरा दास माथुर के नाम पर अवार्ड दिया जाती है, ये है राजनीतिज्ञ थे, मतलब पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे ये, ठीक है। इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है और पूछ लिया जाए कि कब दिया जाता है, ये 6 सितंबर के दिन इनके जन्मदिन को दिया जाता है, 6 सितंबर के दिन, तो 6 सितंबर को इनको अवार्ड ये दिया जाएगा मथुरा दास माथुर अवार्ड, ठीक है। तो याद रखना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट राजस्थान के एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में है? तो मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है, कौन से जिले में है? तो है झालावाड़ और कोटा में है, झालावाड़ व कोटा में, मतलब दोनों की सीमा में ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसका याद रखना। अभी चर्चा में क्यों रहा, हाल ही में इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की मृत्यु हो गई है किन्हीं कारणों से? तो उसकी यहाँ चर्चा में रहा है, तो याद रखना झालावाड़ कोटा में। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में राजस्थान में तेजा जी की जयंती कब मनाई गई? तो हाल ही में राजस्थान में तेजा जी की जयंती कब मनाई गई? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाई गई, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल दसवीं को तेजा जी की जयंती मनाई, कब मनाएगी? भाद्रपद शुक्ल दसवीं को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आया हुआ है, और ऐसे तारीख तो तारीख से कोई मतलब नहीं है, 28 अगस्त को मनाई गई थी, उनसे कोई चीज़ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनके महीने पूछे जाते हैं हिंदी महीने, ठीक है, तो याद रखना। और इनका जो पूछा जाए तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तेजा जी का जन्म हुआ था नागौर जिले में, कहाँ हुआ था, नागौर में, नागौर में इनका जन्म हुआ है, याद रखना इनको। तेजा जी का जो जयंती मनाई भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना किस जिले में की? हाल ही में अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए, वो की गई है भीलवाड़ा में, कहाँ की गई है, भीलवाड़ा में, तो भीलवाड़ा में की गई है ये, और इससे 5 लाख लीटर 5 लाख लीटर प्रतिदिन उत्पादन होगा दूध का। तो हाल ही में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना भीलवाड़ा जिले में की गई है, और ये इसका काम मतलब चालू हो चुका है, मतलब स्थापना कर दी गई है, और इसका पूरा जो कंप्लीट काम 2022 तक होगा, और तब से 5 लाख लीटर प्रतिदिन इसके दुग्ध का उत्पादन होगा भीलवाड़ा जिले में, या डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया? तो हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे थे, उनका निधन हो गया, उनका नाम था A.R. लक्ष्मण, क्या था, A.R. लक्ष्मण, जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, उनका हाल ही में निधन हो गया, और ये 22वें मुख्य न्यायाधीश थे, कौन से थे, 22वें मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के, ठीक है, तो याद रखना इनको, 22वें मुख्य न्यायाधीश थे। पूछा जाए कि हाल ही में कौन से मुख्य न्यायाधीश जो पूर्व में रह चुके हैं उनका निधन हुआ, तो A.R. लक्ष्मण का हुआ है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्ड इंडेक्स प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? तो राजस्थान का 5वां स्थान रहा है, कौन सा स्थान रहा है, 5वां स्थान रहा है राजस्थान के इंडेक्स में, और पहले नंबर पर रहा है गुजरात, पहले नंबर पे रहा है, कौन सा रहा है, गुजरात पहले नंबर पर, पहले स्थान पर, गुजरात रहा है पहले स्थान पर, ठीक है, तो राजस्थान का स्थान रहा 5 और गुजरात रहा है पहले स्थान पर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी नवाचार वर्ग में राष्ट्रीय वाटर इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है जल संसाधन विभाग को, ये तो है जल संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग को, और एक और है इंदिरा गांधी नहर विभाग, कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर विभाग को, दोनों को संयुक्त रूप से अवार्ड दिया गया है, इंदिरा गांधी नहर विभाग,
तो नवाचार और राष्ट्रीय वाटर इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, जल संसाधन विभाग और इंदिरा गांधी नेहरू विभाग दोनों को दिया गया है। राजस्थान के डिपार्टमेंट है इनको, जो वाटर सर्वेक्षण के लिए, वाटर की जो पानी की जल सर्वेक्षण सॉरी पानी की जो इनोवेशन के लिए दिया गया है, पानी की जो बचाव है, जल बचाव अभियान, उसके तहत पानी को एकत्रित करने, बांध बनाने, तालाब बनाने, उनके जो कार्य क्षेत्र जो हैं उनमें जो अच्छा काम करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान में विद्यार्थियों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए होनहार राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। होनहार राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत कर गई है विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में सर्वाधिक खाते खोले गए हैं? सर्वाधिक खाते किस राज्य में खोले गए हैं? तो वो खोले गए राजस्थान में। राजस्थान में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत भारत में सर्वाधिक खाते राजस्थान में खोले गए। वो कितने खोले गए हैं? वो खोले गए 2.79 करोड़। तो इतने खाते खोले गए हैं राजस्थान में, ठीक है, खाते खोले गए। तो कितने खाते खोले गए? 2,79,00,000 खाते राजस्थान में खोले गए, सर्वाधिक खाते। कई बार पूछा जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, तो इनमें हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ना, हर व्यक्ति का बैंक में खाता होना चाहिए, उसी मकसद से योजना शुरू की गई है। और इसमें मोस्टली लोगों का खाता खुला भी है, सर्वाधिक खाते खोले गए राजस्थान राज्य में, 2.79 करोड़ खाते खोले गए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोई सी भी एग्जाम की दृष्टि से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।